भीखा बढ़ते हैं आगे और लगातार आपको बता रहे हैं 12 बजे का इंतजार लगातार हो रहा है टकटकी लगाकर के उन राज्यों की जनता और राजनीतिक पार्टियां लगातार नजरें बनाए हुए हैं जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, क्योंकि आज अगर तारीखों का ऐलान हो जाता है तो फिर ये उम्मीद है कि आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी, क्योंकि जो इतिहास कहता है आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन फिर लगातार फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, हमारे सहयोगी बातचीत भी कर रहे थे, क्योंकि जो तमाम शक्तियां हैं वो फिर चुनाव आयोग के हाथ आ जाएंगी, क्योंकि लोकार्पण और शिलान्यास उद्घाटन के कार्यक्रम भी नहीं हो सकेंगे। ऐसे में जो प्रशासन है वो किस तरह से अपने कार्य करेगा, ये शक्तियां भी चुनाव आयोग के हाथ में आ जाएंगी। तो ऐसे में जो पेंडिंग वर्क है उन्हें किस तरह से पूरा किया जाएगा, किस तरह से रणनीति रहेगी, किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, उस पर लगातार एक प्रश्न चिन्ह सा लगा हुआ है। बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो वर्ष 2018 में राजस्थान में 7 दिसंबर को चुनाव हुए थे और नतीजे इन 5 राज्यों में एक दिन 11 दिसंबर को आए थे। तारीखें हालांकि अलग अलग थी चुनाव की। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए थे, 12 और 20 नवंबर को चुनाव हुआ था, और ऐसे ही अन्य राज्यों में भी नवंबर और दिसंबर माह में चुनाव हुए थे। लेकिन इस बार की तारीखें क्या रहती हैं, इस बार कौन सी डेट चुनावी पार्टियों के एग्जाम के लिए फाइनल की जाती है, उसका इंतजार लगातार हो रहा है। आचार संहिता के बाद क्या होगा, हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर एक तरफ दिखा रहे हैं। देखिए आचार संहिता के बाद क्या होगा, यानी कि क्या असर इसका देखा जाएगा। सरकारी खर्च पर मीडिया में विज्ञापन बंद हो जाएंगे, और एक तरफ वो आंकड़े भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितने विधानसभा सीटें हैं और अभी फिलहाल कितनी सीटें किसके पास। आचार संहिता के बाद सर्किट हाउस डाक बंगले का इस्तेमाल बंद हो जाएगा, यानी कि फिर इन्हें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। रैली को लेकर के भी, अगर रैली पार्टी करना चाहती है तो इसके पहले चुनाव आयोग से परमिशन लेनी होगी, चुनाव आयोग को सूचित करना होगा। सरकारी वाहन का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा। सार्वजनिक उद्घाटन शिलान्यास भी बंद हो जाएंगे, यानी कि राजकीय कार्यक्रम बंद हो जाएंगे आचार संहिता लगते ही। और ऐसे में उन कार्यों का क्या होगा जो कि फिलहाल प्रोसेस में है, क्या वो निरंतर जारी रहेंगे या फिर आचार संहिता की घोषणा के बाद वो रुक जाएंगे, इसको लेकर भी सवाल है। हालांकि देखिए विशेष परिस्थितियों में और कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, प्रकृति अगर किसी आदेश की ऐसी है, किसी कार्य की ऐसी है जो जरूरी है पूरी किया जाना, तो फिर वो कार्य निरंतर चलते रहते हैं। लेकिन अगर अति आवश्यक प्रकृति के कार्य नहीं है तो फिर उन पर रोक हो जाती है, आचार संहिता लगती है। लेकिन सरकारी घोषणाएं अब नहीं की जा सकती है, यानी कि घोषणाएं बंद हो जाएंगी, सौगातें बंद हो जाएंगी और आचार संहिता तमाम पार्टियों को एक प्ले फील्ड उपलब्ध कराती है, यानी कि आचार संहिता लगते ही तमाम पार्टियां एक मंच पर होती है, एक प्लेटफॉर्म पर होती है, एक प्ले फील्ड पर होती है, जहां सबको बराबर अवसर मिलता है।